हम हो गए बड़ी मुश्किल से, नहा लिया जाए फिर आगे लौंगेवाल निकलते हैं। ये बकरे जो यहाँ पर जितने शांत दिखते हैं उतने लड़ाके भी बहुत ज्यादा हैं। दोनों को लड़ते हुए 1 घंटे से ऊपर हो गया। एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, टायर की ना स्पोक्स टूट गई 3-4, उसकी वजह से टायर थोड़ा टेढ़ा हो गया। और अगर लौंगेवाल की तरफ जाएं तो लौंगेवाल से जैसलमेर तक कोई दुकान नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, वापस जाएंगे टायर जाम हो जाएगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं डायरेक्ट वापस रामगढ़ जाऊंगा, रामगढ़ में साइकिल ठीक करा के फिर जैसलमेर। इतने सालों से मैं यही सोच रहा था राजस्थान में रेगिस्तान के बीच में क्या है देखने वाला। हम पंजाबी हम पहाड़ों में ज़्यादा पसंद करते हैं घूमना, बट यहाँ की खूबसूरती यार अलग ही लेवल की है, मज़ा आता है यहाँ पर घूमने के लिए। रामगढ़ में पहुँच के फिर खत्री जी ने स्वागत किया और खाना उन्हीं की तरफ से था आज भी लंच। अब खाना खा के आगे को निकलेंगे क्योंकि जैसे मैं पहुँच के साइकिल ठीक होएगी, यहाँ पर नहीं हो रही ठीक। आपको पड़ेगा लास्ट पेट्रोल पम्प, उसके आगे पेट्रोल पम्प नहीं है, और वापस आपको यहीं पर आके मिलेगा पेट्रोल, तो यहीं से पेट्रोल डलवा लो। ये लास्ट पेट्रोल पंप ऑफ इंडिया। बाकी लोकेशन देखो, सुनसान है हाँ। निकाल देते आपको। अच्छा जी, खूब कमाई करो यहाँ पे, ऊँटनी बन जाएगी छोटे बच्चे वाली। खूब कमाई करो यहाँ पे, ऊँटनी बन जाएगी छोटे बच्चे वाली। दूध पियो उनको पिलाओ, आड़े वाला को बेचे लो, कमाई करो। इनकी ज़िंदगी भी बड़ी कठोर है, जानवरों के लिए पूरा जंगल में रहते हैं, ना लाइट है ना कुछ। तो बूढ़े बुजुर्ग थे और उनकी बात में दिल को छू गई, कहते कि हमारी ज़मीन ले ले, इसी पे काम शुरू कर ले और पैसे कमा। तो मेरे पास 16 पैनल था, वो मैंने अंकल को दे दिया, मैं कहा कि आप यूज़ करो, कम से कम लाइट तो मिलेगी आपको। अजीब दास्तां है ये, लगी है भूख मुझे, कहाँ मिलेगी रोटी, खाली पड़े हैं रास्ते। अजीब दास्तां है ये। तो जैसलमेर को वापस आते हैं, मैं देखो कौन मिला वापस। किशोर जी फिर मिल गए रास्ते पे, कमल किशोर ना, किशोर कमल किशोर जी फिर मिल गए रास्ते में। अब चाय पी रहे, ये भी जैसलमेर जा रहे हैं और हम भी जैसलमेर ही जा रहे हैं। तो अभी रास्ते मेरे को मिला मुकेश और सानू भाई और उनके चाचा। अब भाई लोग बोल रहे जैसलमेर नहीं जाना, आज हमारे गांव में रुको, गांव दिखाएंगे। और अब हम गांव जा रहे हैं। ये रहा मुकेश, अब इसके घर जा रहे हैं। गांव का क्या नाम है? भादा सर। राजस्थान में प्यार बहुत है यार। और ये रहा वो गांव, आज मैं इसमें रुकूंगा। मेरा आज का घर है ये, और एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी के साथ मिला हूं मैं आज, शाम को मिलाऊंगा उनको। ये है मिस्टर अजीज खान, जो ये बच्चों की तरफ से और अजीज जी की तरफ से एक फरमाइश आई कि खाना आज मैं बना के खिलाऊंगा। तो आज चिप मैं ही बनाऊंगा खाना और फिर सब मिलके बैठ के इकट्ठे खाएंगे, देखते पसंद आता है कि नहीं इनको। कर दिया ऑन, कर दिया लाल बटन दिख रहा है ना? हाँ, फेसबुक से मैं आपको माथे का
अपना अपने पास ही छोड़ दो। नहीं मिल रहा, मैंने भी ये सोच के देखा। वो कहाँ कहाँ घूमने के थे? ऑल इंडिया किया था उसने। मुकेश ने चिकन खिलाई दिया फिर। प्यार बढ़ाते हैं, अच्छा लगता है। सोचे जाने से पहले थोड़ी टूट फूट जो है हो रखी है सारी ठीक कर ली जाए ताकि आगे दिक्कत ना आए। So guys, today I am with a unique personality, Mr. Aziz, and he is from Bhadasar near Jaisalmer. Till now he had traveled almost 28 countries, including most of Europe he had already covered. और सबसे बढ़िया चीज़ इनके फैमिली की मेरे को ये लगी है, मल्टी कल्चर फैमिली है। मल्टी कल्चर मतलब जो आधा फैमिली है मुस्लिम फैमिली है, बट ये सारे देवी देवताओं को मानते हैं और आधी फैमिली के नाम हिंदू नेम है। जैसे जो पहले मेरे को मिला था मुकेश, और मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि जब आके मिला, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया साबिर भाई से और बताया कि मेरे चाचा हैं, और मैं कंफ्यूज हो गया कि साबिर मुस्लिम और मुकेश हिंदू, तो बाकी भैया बताएंगे आगे। नमस्कार भैया। नमस्कार। आगे आप बताइए अपने बारे में। आपका स्वागत है। मेरा नाम अजीज अहमद है, मैं बादासर का निवासी हूँ और मैं मेरा सी कास्ट से बिलोंग करता हूँ, और हमारी कास्ट का मेन कार्य गाना बजाना जजमानों में, और इसी के तहत मैं 28 देशों में घूम चुका हूँ, और मैं मीडिया पर्सन बाइकर्स साइकिलिस्ट वगैरह जो भी ट्रेवलिंग बंदे यहाँ आते हैं उनको पसंद करता हूँ। आप सभी का स्वागत है। अगर आप तनोट माता मंदिर के लिए जाते हैं जैसलमेर से 25 किलोमीटर दूर मेरा गांव, आप आइएगा और एक नाइट हमारे साथ भी गुजारिएगा, क्योंकि मैं दुनिया के 28 देश घूम चुका हूं, तो मैंने देखे हैं कि एक दूसरे लोगों से मिलने में कितना अच्छा लगता है और उनको भी प्यार मिलेगा, तो एक तरह से एक अच्छी चीज महसूस करता हूँ। और भैया मल्टी कल्चरल के बारे में बताइए, आपकी फैमिली भी कैसे मल्टी कल्चरल हुई? हम मेरा सिकाश है, तो हम हिंदू देवी देवताओं को पूजते हैं, उनके लिए गाना बजाना करते हैं, और नाम भी हमारा आपने देखे हैं तो मिक्स मैच टाइप के हैं बस। और जैसे शादी का फंक्शन कैसे होता है आपका? शादी के फंक्शन में हमारा सिर्फ निकाह होता है, उसके बाद हम हिंदू देवी देवताओं को जाना पड़ता हमारे मियां बीवी दोनों को। वो तड़ागा बांधते हैं, क्या बांधते हैं जो हाथ का बताया था आपने? वो धागा आप समझते हो, धागा हमारे में मुस्लिम निकाह होती है, और निकाह पढ़ने के बाद हम हमारे जो लोकल देवी देवता उनको मानने के लिए धागा बांधा जाता है शादी से पहले। निकाह होने के बाद हम उन देवी देवता जाएंगे, मियां बीवी सब जाते हैं वहाँ, रस्म अदा करके उनको वापस प्रसादी प्रसाद चढ़ा के धागा खोलते हैं, और सेम गणेश स्थापना होती है उस टाइप की, हमारे भी वापस आके देवी देवताओं को हमें याद किया जाता है, इस टाइप का मिक्स कल्चर। और भैया का ना एक काफी दिमाग काफी एंटरप्रेन्योरशिप वाला है, और इनके दिमाग में आइडियाज एक से बढ़कर एक है। एक आइडिया भैया ने शेयर किया था, वो पूरा तो नहीं बताऊंगा अभी मैं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट लीक हो जाएगा। हाँ, कॉन्सेप्ट लीक हो जाएगा, बट बहुत ही यूनिक है और बहुत ही अच्छा है। बाकी थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता, इंट्रोडक्शन सा दे देंगे भैया। मैंने 2004 से फॉरेनर ऑफ पीछे भागना शुरू किया था, अंग्रेजों के पीछे गाइडिंग करना, वो शौक पूरा किया, उसी शौक के तहत फॉरेन भी जाके आ गए हम, और उसके बाद मीडिया लाइन के लोगों के साथ जुड़े, तो मैंने कम से कम 20-25
प्रोडक्शन के साथ काम किया, इंटरनेशनल प्रोडक्शन के साथ काम किया, नेशनल ज्योग्राफी के साथ काम किया, और अभी भी दो बड़ी एयरलिफ्ट की बादशाह हूँ। इसमें भी यहाँ जो लोकल लाइन प्रोड्यूसर का काम मैंने जैसलमेर में किया, और इसी टाइप में भी सोच रहा हूँ ट्रैवलिंग प्रोजेक्ट बनाते हैं फिर, क्योंकि लोग अलग अलग चैनल पे देखते हैं अच्छा लगता है। तो एक सेकंड लाइफ प्रोजेक्ट मैं चालू कर रहा हूँ, जिसमें सिर्फ डिवोर्स पर्सन को इन्वाइट से, जिनकी एज 25 to 45 है और तलाकशुदा हैं और वापस जुड़ना चाहते हैं, इस टाइप का एक प्रोजेक्ट मैं दिल्ली से चालू करूंगा, जिसमें मैं 9 सिटीज में उनको ट्रैवलिंग कराऊंगा, अच्छी अच्छी होटलों में रुकूंगा और शाम के टाइम अच्छी इवनिंग पार्टी खाना बना, एक अच्छा डिस्कवर टूर बनाऊंगा जिसमें शूट के साथ चलेगा, जिसमें एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री शूट हो जाए, वो अपने लिए सेकंड पार्टनर भी ढूंढ सके अपने लाइफ में। और एक डेटिंग टूर, उसमें 50 बंदे चलेंगे तो कम से कम 5-10 तो जुड़ेंगे जी। ये मुझे आशा है। बॉस मेरा मेन काम इवेंट लाइन से है, टूर एंड ट्रेवल लाइन से, और फिल्म प्रोडक्शन का काम मैं यहाँ देखता हूँ, और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी कराते हैं। बस फोटोग्राफी टूर से सब फिल्म मेकर्स वगैरह सब उनके डॉक्यूमेंट्री वालों के साथ, राइटर्स वगैरह मोस्ट वेलकम। कई लोग आते हैं, साल में मिलते हैं 4-5, काम अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। और अभी हमारा शो हो रहा है पूना में हो रहा है, 5 जनवरी को मिलावा जा रहे हैं इवेंट करने के लिए, राजस्थानी आर्टिस्ट लेके मैं वहाँ शो कर रहा हूँ, और उसके बाद मेरा एक शूट आ रहा है वापस यहाँ, साउथ इंडियन मूवी वो यहाँ मेरे साथ आ रही है, तो उसकी भी रेकी करवा दी, वो भी शूट करा रहे हैं। तो गाइस आप देख लो, एडवांस बुकिंग करा लो, देख लो 5 जनवरी को कहाँ पर है, इलाहाबाद में, और पुणे में कब है, पुणे में 23। बाकी मैं छोटे छोटे क्लिप्स डालूंगा अभी वीडियोज में जो इनके शोज है उनके, तो देखिएगा अच्छा लगेगा। फनकार ग्रुप नाम से हमारे यूट्यूब पर खूब सारे वीडियोज है, फनकार एट दी ग्रुप भी, उसमें आप खूब सारे देख सकते हैं। ठीक है, आते एक छोटा सा पैगाम ले लेते हैं अजीज भाई से। आप मेरे गांव में आए, अच्छा लगा, और भी बाइकर साइकिलिस्ट वगैरह राइटर वगैरह जो भी फ्रीज लाइन पत्रकार वगैरह है वो जरूर आइएगा मेरे यहाँ, पीछे कल्चर सेंटर हॉल बना हुआ। दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, लाइफ बहुत शॉर्ट है, साथ कुछ नहीं चलना है, ये पैसा वैसा भगादुर सब इधर ही है, जो अच्छे रेड माइंड पर्सन मिलते हैं, शाम को बैठते हैं 2 मिनट बातें चीतें करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं कुछ भी चीजें आपस में, बहुत अच्छा लगता है। हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और ट्रेवलिंग जरूर करें, इंडिया में फॉरेन, और परिवार के साथ लेके घूमें। धन्यवाद।